हेलो दोस्तों, आज हम आपको भोजपुरी के फेमस एक्टर पवन सिंह सर के एक्टर कैरियर के बारे में बताएंगे। पवन सिंह ने 2007 में आई मूवी रंगले चुनरिया तोहरे नाम से अपने एक्टर कैरियर की शुरुआत की थी और यह मूवी सुपरहिट रही। 2008 में पवन सिंह की दूसरी मूवी आई भोजपुरिया दरोगा और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल पवन सिंह की एक और मूवी आई प्रतिज्ञा और यह मूवी सुपरहिट रही। 2009 में पवन सिंह की मूवी आई सैया के संग मड़ैया और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की एक और मूवी आई जोगी जी धीरे धीरे और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की छठी मूवी आई तू जान हूँ हमारा और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल पवन सिंह की सातवीं मूवी आई उमरिया कहीं नहीं तोहरे नाम और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की आठवीं मूवी आई प्यार बिना चैन कहाँ और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की नौवीं मूवी आई उड़निया कमाल कर और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की दसवीं मूवी आई रंगबाज दरोगा और यह मूवी सुपरहिट रही। 2010 में पवन सिंह की मूवी आई पवन पुरवैया और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की एक और मूवी आई दरार और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 12वीं मूवी आई लड़ाई ले अखियां यह मूवी हिट रही। 2011 में पवन सिंह की मूवी आई डोले चढ़ के दुल्हन ससुराल चली और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की एक और मूवी आई देवरा बड़ा सतावेला और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 16वीं मूवी आई कानून हमारी मुट्ठी में और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 17वीं मूवी आई भाग जोगनी और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 18वीं मूवी आई चोरवा बना दामाद और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 19वीं मूवी आई देवर भाभी और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 20वीं मूवी आई हमारा माटी में दम्बा और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 21वीं मूवी आई गुंडा राज और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 22वीं मूवी आई सिंदूर दान और यह मूवी सुपरहिट रही। 2012 में पवन सिंह की मूवी आई जब कहूँ दिल में समा जा और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 24वीं मूवी आई सौगंध गंगा मैया की और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 25वीं मूवी आई रंगबाज राजा और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 26वीं मूवी आई जंग और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 27वीं मूवी आई भैया की साली ओढ़ैया वाली और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 28वीं मूवी आई एक दूजे के लिए और यह मूवी फ्लॉप रही। 2013 में पवन सिंह की मूवी आई बनारस वाली और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 30वीं मूवी आई जिद्दी आशिक और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 31वीं मूवी आई बजरंग और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 32वीं मूवी आई ट्रक ड्राइवर और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 33वीं मूवी आई कट्टा तने दुपट्टा पर और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 34वीं मूवी आई डकैत और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 35वीं मूवी आई देश परदेश और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 36वीं मूवी आई खून पसीना और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 37वीं मूवी आई लावारिस और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 38वीं मूवी आई वीर बलवान और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 39वीं मूवी आई आंधी तूफान और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 40वीं मूवी आई कुरुक्षेत्र और यह मूवी हिट रही। 2014 में पवन सिंह की मूवी आई धरती के लाल और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 42वीं मूवी आई सयाजी दिलवा मांगले और यह मूवी एवरेज रही। इसी साल पवन सिंह की 43वीं मूवी आई योद्धा और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 44वीं मूवी आई प्रतिज्ञा 2 और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 45वीं मूवी आई बाजीगर और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 46वीं मूवी आई प्यार मोहब्बत जिंदाबाद और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 47वीं मूवी आई इंसाफ और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 48वीं मूवी आई जान लेवू का हो और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 49वीं मूवी आई भोग देवा
और यह मूवी सुपरहिट रही। 2015 में पवन सिंह की मूवी आई नेहली पर देला और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 91वीं मूवी आई बिन बजाय सपेरा और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 52वीं मूवी आई कर्ज विरासत के और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 53वीं मूवी आई लेकर आजा बैंड बाजा ए पवन राजा और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 54वीं मूवी आई लगी रही झूठे रामा और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 55वीं मूवी आई संग्राम और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 56वीं मूवी आई गंगा पुत्र और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 57वीं मूवी आई हुकूमत और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 58वीं मूवी आई सुहाग और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 59वीं मूवी आई बाज गैला डंका और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 60वीं मूवी आई मुकाबला और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 61वीं मूवी आई खून के इल्जाम और यह मूवी हिट रही। 2016 में पवन सिंह की मूवी आई भोजपुरिया राजा और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 16वीं मूवी आई गदर और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 64वीं मूवी आई त्रिदेव और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 65वीं मूवी आई जिद्दी और यह मूवी सुपरहिट रही। 2017 में पवन सिंह की मूवी आई सरकार राज और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 67वीं मूवी आई सत्या और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 68वीं मूवी आई तेरे जैसा यार कहां और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 69वीं मूवी आई तबादला और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 70वीं मूवी आई धड़कन और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 71वीं मूवी आई चैलेंज और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 72वीं मूवी आई योद्धा अर्जुन पंडित यह मूवी फ्लॉप रही। 2018 में पवन सिंह की मूवी आई सैया सुपरस्टार और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 74वीं मूवी आई वांटेड और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 75वीं मूवी आई माँ तुझे सलाम और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 76वीं मूवी आई बाल मुआ तुम्हारे खातिर और यह मूवी फ्लॉप रही। इसी साल पवन सिंह की 77वीं मूवी आई लोहा पहलवान और यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 78वीं मूवी आई राजा और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2019 में पवन सिंह की मूवी आई क्रैक फाइटर और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 80वीं मूवी आई मैंने उनको साजन चुन लिया और यह मूवी हिट रही। इसी साल पवन सिंह की 81वीं मूवी आई जय हिंद यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 82वीं मूवी आई शेर सिंह और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2020 में पवन सिंह की मूवी आई पवन पुत्र यह मूवी फ्लॉप रही। 2021 में पवन सिंह की मूवी आई घटक यह मूवी सुपरहिट रही। इसी साल पवन सिंह की 85वीं मूवी आई बॉस यह मूवी सुपरहिट रही। 2022 में पवन सिंह की मूवी आई मेरा भारत महान और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल पवन सिंह की 87वीं मूवी आई चांदनी और यह मूवी फ्लॉप रही। 2023 में पवन सिंह की मूवी आई हमारा स्वाभिमान और यह मूवी ब्लॉकबस्टर रही। और यही अब तक की पवन सिंह सर की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों आपको पवन सिंह सर का एक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल और मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज दोस्तों थैंक यू।